आस्थमा गई थी। डॉक्टर्स ने बोला था ये आस्थमा मुझे बहुत साल रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ। मैं तेलंगाना करीमनगर से हूँ और मैं आनापाना सती 2 साल से कर रहा हूँ। मैंने 2019 में आनापाना सती मेडिटेशन करना शुरू किया था और मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। बस 3 महीने में सोचा था कि ये क्या है, अरे ये तो बाबा जी का मुझे गोला है, मुझे नहीं जाना, आप ही जानो। मैंने कहा जो भी मुझे बताया था। और एक दिन मैंने माँ ने मुझे बहुत फोर्सफुली एक ग्रुप मेडिटेशन में ले गई थी। वो 45 डेज का था पर मुझे बस 3 दिन ही किया था और मुझे आस्थमा गई थी। डॉक्टर्स ने बोला था ये आस्थमा मुझे बहुत साल रहेगी और मैं 3 दिन पर मर जाऊंगा, पर नहीं, ये तो गया, अब मैं सेफ हूँ। पर मुझे एक अनुभव तो हुआ था, तब मैं ध्यान नहीं करता था, मैं बहुत चिकन करता था। हर वीकेंड पर मैं चिकन करता था और हर मंथ पर मुझे एक बार फीवर आती है। और स्कूल में मैं ऐसा ही 6 मंथ में जाता हूँ, 6 मंथ में नहीं जाता हूँ। और डॉक्टर्स ने कहा ऐसे ही चलता रहा तो तुम नहीं सह पाओगे। और मेरा माने सब कुछ ट्राई किया था, वो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, बहुत कुछ, पर क्यों नहीं हुआ। ये मेडिटेशन 3 दिन में ही क्यों हुआ था। और मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, मुझे ये तो बहुत करना है। वो दिन ध्यान कर नहीं करने के पहले मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलता था, मैं खेलता था पर कोई झगड़ा लग के घर आ जाता था। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते। मैं सोचता था कि मैं टॉयस उनको खेलने दो और चॉकलेट्स दो तो मेरा फ्रेंड बन जाएगी, पर ऐसा नहीं है। और मैं मेडिटेशन करना शुरू किया और बस 3 हावर्स हुए थे एंड मुझे एक मैसेज आया मेरा फ्रेंड से, आओ खेलते हैं। मेरा फ्रेंड्स बेसिकली मुझे बहुत यूज़ करते हैं कि मेरा बस चॉकलेट्स खाने के लिए और मेरा खिलौने साथ खेलने के लिए, इसलिए ही मेरा घर आते थे। पर एक दिन वो आया था और वो कह रहा था अरे भाई हमें तुम्हारा चॉकलेट्स नहीं चाहिए, तुम्हारा खिलौना नहीं चाहिए, बस हमें तुम्हारा फ्रेंड रहना चाहिए, बाहर आ लो हम खेलते हैं, उसने बोला। और मैं शॉक हो गया, अरे इतने साल, 9 साल मुझे बहुत इग्नोर किया और मुझे ऐसा किया वैसा किया और आप चेंज हो गए। और मैंने सोचता रहा और मेरा माँ को बताया। मेरा माँ ने बताया अरे ये तो मेडिटेशन का कमाल है, आनापाना सती का कमाल है। और मैंने सोचा भाई ये तो बहुत अच्छा है, मुझे दूसरे लोगों को भी सिखाना चाहिए। पर मुझे बहुत शेम था मैंने सीखा। और एक दिन मैंने माँ ने एक ग्रुप मेडिटेशन पर ले चली थी, वहाँ प्रेमनाथ मास्टर आया था, वो एक सीनियर मास्टर है। प्रेमनाथ मास्टर ने मुझे एनर्जी ट्रांसफ़र किया था और मैं जब से क्लासेस बनाना और क्लासेस देखना शुरू किया था। और अब मैं करताल में आ गया हूँ, यहाँ तो बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छा है और यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ महेश्वरा पिरामिड है, पिरामिड से हमें बहुत सारा एनर्जी मिलता है, इसलिए हम लोग पिरामिड में ही ज़्यादा की ज़्यादा वक्त
गाते हैं और वहाँ सेवा करने का अनुमान भी है। हम वहाँ जाके वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पैमा भी ज्वाइन किया, पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन एंड अहिंसा। इसका मतलब है यूथ को भी मेडिटेशन करना है। और मेरा माँ ने कहा उस मेरा बर्थडे पर, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना, मुझे भी एक गिफ्ट दोगे? उसने बोला। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। और मेरा माँ ने कहा वेजिटेरियन बनो। और मैंने कहा हाँ, इसमें से क्या बात है, बनूँगा। मुझे फीवर भी आना छोड़ गए थे। तब मेरा फ्रेंड ना मुझे बताया, अरे आजकल तुम तो एक्टिव हो, इसका कोई अनुबंध है क्या? उसने बोला। मैंने बोला हाँ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। और उसने कहा मेडिटेशन क्या है? मैंने बोला आनापानासति मेडिटेशन, मेरा घर आओ और मैं सिखा दूँगा। और उन लोगों को 10-4 दिन मुझसे ही बात करते 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 एवरी इवनिंग आया था वो। और वैसे 10 लोग जमा हो गए थे, मैंने क्लासेस बनाना शुरू किया। मैं एक बार बड़े लोगों को एक क्लास दिया और उसने बोला वाह बहुत अच्छा किया। और मुझे बहुत मेहनत करने पड़ी थी। मैं जूम क्लासेस ट्राई किया था पर मुझे नहीं आया। और अब मैं करतार में हूँ। करतार में मैंने बोला था पाइमा, वो पिरामिड मेडिटेशन फॉर यूथ एंड अहिंसा। और अब पाइमा में बहुत सारे काम है, हम सेवा कर सकते हैं। और यहाँ पिरामिड में ही भी वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। मेरा गोल है कि ये इस दुनिया में सब लोग, मतलब सब लोग 10 मिनट ध्यान करें तो हमारा पैंडमिक सीजन भी चला जाएगा। सिर्फ 10 मिनट वो काफ़ी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेडिटेशन बहुत कुछ है हमारे लिए। पैसे भी नहीं, पैसे बहुत है पर मेडिटेशन भी होते है। पैसों को बहुत किया और मेडिटेशन को कम किया, ऐसा सोचिए। क्योंकि मेडिटेशन हमें हेल्थ दिलाता है, आपको पता है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। और थैंक यू, यह है मेरा एक्सपीरियंस आनापानासति का। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पिरामिड हिंदी चैनल, PMC हिंदी चैनल।